गाइस हाउ टू इंक्रीज फेसबुक पोस्ट रीच, फेसबुक पे कैसे आपका जो पोस्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक रीच कराओगे, इसको लेके बहुत सारे क्वेश्चन मेरे चैनल पे पूछा गया है कि फेसबुक पे जो पोस्ट रीच है वो दिन भर दिन घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो उस पोस्ट रीच को कैसे इंक्रीज करें। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा ट्रिक्स उसी के ऊपर बताने वाला हूँ, जिसको अगर आपके फेसबुक पेज पे इंप्लीमेंट करोगे तो आपका जो पेज का पोस्ट है उसका रीच जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, वो भी ऑर्गेनिक वे में। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहना, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर अभी नए आए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे ही सोशल मीडिया से जुड़े वीडियो अपने चैनल पर लाता हूँ और आगे भी लाता रहूंगा। नो मोर मत डिले, चलिए मुद्दे पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा वो ट्रिक्स टिप्स है जो अगर आपके फेसबुक पोस्ट पे अप्लाई करोगे तो आपका जो फेसबुक पोस्ट है वो ऑडियंस से ज़्यादा रीच होगा 2019 में। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट जो है फेसबुक पेज पे पोस्ट को ज़्यादा रीच करने का, उसका मेन पॉइंट है दोस्तों वीडियो। हाँ दोस्तों, आपको वीडियो अपलोड करना पड़ेगा 2019 में आपके पोस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिलने के लिए, क्योंकि वीडियो अभी फेसबुक पे सबसे ज़्यादा रीच गेन कर रहा है, तो आपको वीडियो पोस्ट करना पड़ेगा। पहले हम लोग टेक्स्ट पोस्ट और इमेज पोस्ट से भी काम चला लेते थे, मगर अब एल्गोरिदम इतना एडवांस हो गया है कि वीडियो को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, क्योंकि लोग जो है विजुअली कम्युनिकेट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहा है, विजुअली वीडियो को देखते हैं लोग ज़्यादा रादर देन पोस्ट और फिर कोई भी इमेज पोस्ट। तो दोस्तों आपको जो करना है बेसिकली वो है, आपको मीनिंगफुल वीडियो बनाना पड़ेगा, ऑथेंटिक वीडियो बनाना पड़ेगा, रेस्पेक्टफुल वीडियो बनाना पड़ेगा, वो भी आपके ऑडियंस आपके व्यूअर से रिलेटेड आपके कैटेगरी में, जिस कैटेगरी का वीडियो आप बनाते हो। हमेशा याद रखना मीनिंगफुल ऑथेंटिक और रेस्पेक्टफुल वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंगेज होता है फेसबुक प्लेटफॉर्म पे। और एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, वो है आपका जो भी वीडियो आप बना रहे हो उसका जो थंबनेल है उस पर कोई भी क्लिक बैट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लिक बैट होगा तो लोग आपके वीडियो पे एक क्लिक करेगा और इमीडिएटली वीडियो को बिना देखे वो लोग बैक कर जाएगा। इससे आपका वीडियो का जो व्यू है, जो रीच है, वो कम हो जाएगा दिन भर दिन, तो आपका जो वीडियो है वो ऑडियंस के न्यूज़ फीड पे जाने का चांसेस कम हो जाएगा। तो आप लोग कभी भी क्लिक बैट मत करना आपके वीडियो के जो भी थंबनेल आप लोग बनाते हो फेसबुक के लिए। और दूसरा जो एक पॉइंट है दोस्तों, कभी भी वीडियो के टाइटल में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे ऐसा कुछ भी मत लिखना कि टैग ए फ्रेंड, टैग योर फ्रेंड, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, ऐसे लिखना मत। अगर आप चाहते हो कि आप ये इन्फॉर्मेशन आपके ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हो तो आपके वीडियो पे आप बोल दो, जैसे कि मैं बोलता हूँ वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, तो वैसे बोल दो, मगर वीडियो के टाइटल या डिस्क्रिप्शन पे आप लोग कभी भी टैग ए फ्रेंड, शेयर इट, लाइक इट, कमेंट इट, ऐसा कोई भी मत करना, क्योंकि फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो पेनालाइज करता है जो भी वीडियो पे ये सब बातें लिखा जाता है, क्योंकि फेसबुक ने अपने एल्गोरिदम को उस तरीके से डाल रखा है कि फेसबुक का जो एल्गोरिदम है उसको समझ में आ जाता है ऐसे बात लिखने से उसको लगता है कि आप लोग प्लेटफॉर्म को स्पैम कर रहे हो, तो ये आप लोग कभी भी मत करना। दूसरा जो दोस्तों पॉइंट है जिससे आपका पोस्ट रीच ज़्यादा होगा वो है पोस्ट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट तो दोस्तों सारे प्लेटफॉर्म पे मेन मुद्दा होता है, हर किसी के ग्रोथ के पीछे ये एक रीज़न होता है कंसिस्टेंट रहना, तो आपको भी फेसबुक प्लेटफॉर्म पे कंसिस्टेंटली पोस्ट करना है वीडियो आपके फेसबुक पेज पे, तभी आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिलेगा। एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कंसिस्टेंटली मेंटेन करोगे तो ज़रूर ग्रोथ होगा, वीडियो पे व्यूज़ आना ज़्यादा शुरू हो जाएगा आपके फेसबुक प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है वो है यूज़ वीडियो एंड पेज इनसाइट। हाँ दोस्तों, वीडियो सिर्फ डालने से ही नहीं होगा, उसके बाद आपको वो वीडियो दो तीन दिन बाद आपको जाके चेक करना पड़ेगा वीडियो का परफॉर्मेंस कैसा है, इनसाइट में जाके देखना पड़ेगा आपने कितना लेंथ का वीडियो बनाया है, कितना टाइम तक ऑडियंस ने आपके वीडियो पे टाइम स्पेंड किया है, कहाँ से वो डेमोग्राफिक आया है, कौन सा ऑडियंस देखा है, और उसके बाद आपको उसी से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे डालना है जहाँ पे आप लोग को लगता है कि जो ऑडियंस है वो डल होते जा रहे हैं इस पार्ट तक देखने के बाद, तो आपको वो थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, वहाँ पे इंटरेस्टिंग कुछ ऐसा बताना पड़ेगा ताकि एंगेजमेंट जो है वो बना रहे आपके पूरे वीडियो पे।
जैसे जैसे वीडियो पे ज़्यादा टाइम वॉच आएगा फेसबुक पे, आपका वीडियो जो है दूसरों के न्यूज़ फीड में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवर होगा, रिकमेंडेशन में जाएगा, वो फेसबुक का एल्गोरिदम करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है और वीडियो के जो इनसाइट है उसको आपको वीकली चेक करना है और देखना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर वीडियो पोस्ट करने पे बिजी रहते हैं, इनसाइट वगैरह चेक नहीं करते हैं। ये करना ये बहुत काम का चीज़ है। अगर आपको इस सारे चीज़ में कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, तो मैं आगे के वीडियो उसी टॉपिक पे बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों चौथा जो पॉइंट है यहाँ पे, फेसबुक पे एक मिथ है कि ओनली शॉर्ट वीडियो वर्क ऑन फेसबुक। ये ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, शॉर्ट वीडियो होने से ही फेसबुक पे काम नहीं करेगा। अगर आप लोग आपके ऑडियंस को रेस्पेक्टफुल, डिलाइटफुल, इमोशनल और ऑथेंटिक वीडियो देते हो, तो अगर आपका वीडियो लॉन्ग भी हुआ तो भी ऑडियंस आपसे बने रहेंगे, उस वीडियो पे वॉच टाइम आएगा, जितना जितना वॉच टाइम आएगा वीडियो उतना उतना न्यूज़ फीड में जाएगा, तो आपका वीडियो का ज़्यादा प्रमोशन हो जाएगा फ्री में फेसबुक के एल्गोरिदम के द्वारा। इसलिए ये जो मिथ है इस पर आप लोग मत जाइए। आप लोग शॉर्ट वीडियो भी बनाइए, लॉन्ग वीडियो भी बनाइए, मगर वीडियो का लेंथ जो है मिनिमम 3 मिनट का रखना, क्योंकि 3 मिनट का वीडियो होना चाहिए मोनेटाइजेशन के लिए। नहीं तो 3 मिनट से कम होगा तो वो वीडियो मोनेटाइज नहीं होगा, तो ये भी आपको ध्यान पे रखना है। और आप लोग मिक्स करके वीडियो डालो, 3 मिनट का डालो, 3 मिनट से ज़्यादा डालो, उसके बाद देखो आपका ऑडियंस कौन सा वीडियो पे ज़्यादा एंगेज होता है, तो उसी से रिलेटेड वीडियो, उसी से रिलेटेड टाइम से वीडियो आप लोग अपलोड करो, ना ज़्यादा ना कम ना पितुली, तो उससे आपका जो फेसबुक पेज है वो आने वाले टाइम पे जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाएगा। और दोस्तों पांचवा जो पॉइंट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मेक योर वीडियो स्टैंड आउट। ये बहुत सारे बड़े बड़े जितने सारे आप लोग यूट्यूबर या फिर जितने सारे सोशल मीडिया मार्केटर को देखेंगे, ये लोग बोलते ही रहते हैं कि मेक योर वीडियो स्टैंड आउट। अब मैं जो बताने वाला हूँ इसमें वो है कैसे आप लोग आपके वीडियो को स्टैंड आउट बनाओगे। इतना सारा कंपटीशन है, इतना सारा ऑडियंस आपके वीडियो को क्यों टाइम स्पेंड करेगा, इसके लिए आप क्या ऐसा करोगे। तो इसके लिए जो आप कर सकते हो वो है हाई रिजोल्यूशन वीडियो बनाओ, वीडियो का ऑडियो क्वालिटी अच्छा बनाओ, इमेज जो है वीडियो के थंबनेल जो आप लोग डालते हो उसको थोड़ा सा एट्रैक्टिव बनाओ, हाई क्वालिटी बना बनाओ, ताकि कैची हो, इमीडिएटली ऑडियंस के नज़र पे आए, तो आपका जो वीडियो है वो थोड़ा सा दूसरे ऑडियंस से ज़्यादा अच्छा होने की वजह से ऑडियंस जो है आपका ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, उस पर थोड़ा सा फोकस देगा। और उसके बाद वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन वो भी कैची बनाओ, डिस्क्रिप्शन ज़्यादा लंबा मत बनाना, मीडियम साइज़ का बनाना, 300 कैरेक्टर तक बना देना, और टाइटल जो है वो 50 से 60 कैरेक्टर के अंदर अंदर कैची टाइटल बनाना, जिससे फेसबुक प्लेटफॉर्म पर लोग सर्च करते हैं या फिर ट्रेंडिंग जो भी बातचीत होते रहते हैं हैशटैग वो सब यूज़ करना। उसके बाद जो दोस्तों और एक काम कर सकते हो वो है फास्ट 3 सेकंड, पहला 3 सेकंड के अंदर अंदर आपको आपके फेसबुक के वीडियो पे बता देना पड़ेगा, इस वीडियो को देख के आपका जो ऑडियंस है, आपका जो व्यूअर है, उसको क्या मिलेगा, इसमें से कुछ एडुकेशनल उन लोगों को नॉलेज मिलेगा, या फिर कुछ एंटरटेनमेंट मिलेगा, या फिर कोई आप लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हो वीडियो पे, तो वो आपको आपका ऑडियंस के 3 सेकंड के अंदर अंदर बोलना है, ताकि आपका जो ऑडियंस है वो फर्स्ट लुक पे ही आपके वीडियो को लाइक कर बैठे और टाइम दे वीडियो पे। 1 मिनट का टाइम बहुत मायने रखते हैं, हर ऑडियंस, हर यूनिक ऑडियंस अगर आपके वीडियो पे फेसबुक प्लेटफॉर्म पे 1 मिनट डालता है तो फेसबुक एल्गोरिदम को एक सिग्नल जाएगा कि आपका जो वीडियो है वो ऑथेंटिक है, रेस्पेक्टफुल है, और वो क्लिकबेट वीडियो नहीं है, क्योंकि इसमें व्यूअर जो है वो आके टाइम स्पेंड कर रहा है, तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का न्यूज़ फीड पे फेसबुक लेके जाएगा आपके पेज से, जिससे आपका वीडियो पे ज़्यादा व्यू आने का चांसेस है 2019 में, वो भी ऑर्गेनिकली। और जो दोस्तों लास्ट पॉइंट है वो है आस्क योर ऑडियंस टू फीडबैक। हाँ दोस्तों, आपको आपका जो ऑडियंस है उसको आपके वीडियो के बारे में फीडबैक पूछना है, जैसे कि मैं पूछता हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डालना, आपका कोई भी क्वेश्चन है वीडियो के बारे में तो ज़रूर करना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों को उसी टॉपिक पे वीडियो बना के दूंगा। तो ये जो मैं बोलता हूँ ऐसे ही आपको ऑडियंस से भी फीडबैक मांगना पड़ेगा, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव है कि नहीं, अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बोलिए। तो ऐसे दोस्तों आपको भी
फीडबैक मांगना है आपके फेसबुक पेज पे वीडियो के द्वारा, ताकि आप लोग जान सकते हो आपका ऑडियंस को कौन सा चीज़ पसंद आ रहा है, और उससे रिलेटेड वीडियो आप लोग कंटिन्यूअसली डालते जाना, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट फेसबुक प्लेटफॉर्म पे मिले और आपका पेज जो है वो जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाए। तो एज ए क्रिएटर 2019 में फेसबुक पे ग्रो होने का सबसे आसान तरीका है वीडियो बनाना और उस वीडियो को ऑप्टिमाइज करते रहना। आने वाले टाइम पे और भी ढेर सारे ऐसे ही अपडेट मैं लाता रहूँगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे अभी नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।